एलोइज लगवाने से पहले सभी भाई ये सोचते हैं कि लोकल में गाड़ी भाई पहले इतना कम एवरेज देती है, तो एलोइज के बाद हमें क्या एवरेज मिलेगी, क्या कुछ रहेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं कोई ये नहीं है कि ऐसी तुक्का मार दिया भाई, मैंने तेल डलवा के चला के गाड़ी को लोकल पे और खुद अपने हाथ से एवरेज निकाल ली है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो गाड़ी है कितनी एवरेज प्रॉपर दे देगी। तो भाई ये है मारुति की स्विफ्ट है, जिसमें कि मैं आपको टायर साइज दिखा देता हूँ, इसमें एलोइज अपग्रेड किए हुए हैं। तो ये एलोय है इसके, इसका टायर साइज देखिएगा कितना दिया गया है। इसका टायर साइज भाई ये रहा, देखो भाई 185/65 R15, जो इसमें पहले आता था भाई वो 14 इंच का टायर आता था, लेकिन अब इसमें कर दिया गया है 15 इंच का टायर, जो कि मैंने एलोई अपग्रेड किया है, तो उसके लिए मुझे टायर भी अपग्रेड करना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको मीटर में भी दिखा दूं एक बार, इसका भाई टैंक फुल था, सिर्फ 3 चक्कर लगे हैं, पूरा टैंक गया। ये देखिएगा इसने 18.5 की एवरेज दिखाई है लास्ट टाइम। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 18.5 की इसने किस सिचुएशन में कितने बंदे थे, एसी ऑन ऑफ था, कैसा रोड था, किस में दिया है। तेल के डंडे देखिएगा 2 रह गए लास्ट के, तो वो आपको बताता हूँ मैं एवरेज के बारे में। इसमें भाई बैठे थे सिर्फ 2 बंदे, मैं और पापा गए थे भाई, पेपर था मेरा, जो कि सभी ने हरियाणा वालों को सभी को पता होगा भाई, ग्रुप डी का पेपर था उसके लिए, और कुरुक्षेत्र पेवा में गए थे। तो पेवा तक हमारा सफर था पानीपत से जहाँ पे हम रहते हैं वहां से भाई कुछ था मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर तक, गाड़ी 160 किलोमीटर चली है, गाड़ी भाई लोकल रास्ते पे चली है विदाउट एसी, एसी नहीं चला क्योंकि एसी की जरूरत नहीं पड़ी, मौसम ठंडा था, अभी देख सकते हैं मेरा गला खराब है, बिना एसी के गाड़ी लोकल रोड पे चली है और बिल्कुल खिंची है, खिंची का ये मतलब नहीं 100-120 पे चलाई है, जो गियर था ना बिल्कुल रिंगा के, मतलब वैसे बाद में चेंज किया, बिल्कुल गाड़ी को हाई आरपीएम पे ले जाके पूरी खिंची है गाड़ी। उसके बाद भी कार ने भाई 18.5 की एवरेज दे दी है एलोई व्हील के साथ, चौड़े टायर के साथ। तो ये देखिए भाई ये कुछ एवरेज है, एलोई लगवाने का ढंग हो जाता, थोड़ा दिमाग लगा के प्रोफाइल देखो टायर की, कि आप किस प्रोफाइल का टायर लगवा रहे हो। अब आपने लगवा लिया 15 इंच का, उसमें टायर लगवा लिया 185 की जगह 195 का, तो भाई एवरेज टूटते ही टूटेगी, एवरेज बिल्कुल भी नहीं आएगी गाड़ी, एवरेज थोड़ी सी भी देगी, एवरेज टूटते ही टूटेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी एलोई लगवाएं तो एक बार एलोई साइज टायर प्रोफाइल सब कुछ बिल्कुल अच्छे से डिसाइड कर ले, उसके बाद ही एलोई लगवाएं, गाड़ी आपको बहुत अच्छी एवरेज देगी।